हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों। मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आज का रिएक्शन वीडियो एक एंग्री रिएक्शन वीडियो है और उसकी मेन वजह है कि पाकिस्तान का एक टुच्चा आई थिंक किस्म से गिरा हुआ सेलिब्रिटी अली सलीम, नहीं समझ में आई, नहीं पहचाना अली सलीम जो बेगम नवाजिश अली के नाम से पहचाना जाता है, ट्रांसजेंडर अपने आप को शो करता है। आई डोंट नो वेदर ही इज़ और नॉट, लेकिन ये कि वो साड़ी पहनकर या लेडीज़ कपड़े पहनकर मेकअप लगाकर वो अपने शोज़ करता था और मतलब एक किस्म का सेलिब्रिटी बना हुआ। उसने एक वीडियो चैट रिलीज़ की है लाइव और अपने ख्यालात का इजहार किया है पाकिस्तान आर्मी के बारे में, ISI के बारे में स्पेशली, उसी पर जोर दिया है, उनके बारे में बहुत गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो मज़ीद उस बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ उस वीडियो के, क्योंकि वो 20-25 मिनट लॉन्ग है। वो पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाता हूँ जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने पर थोड़ा मजबूर हुआ। और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं इस वीडियो में और इतनी गालियाँ हैं और गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो ना मैं सुनना पसंद करता हूँ, ना मैं देखना पसंद करता हूँ, ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करता हूँ। तो कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने इस वीडियो से काटे हैं, पहले आइए वो देखते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में मज़ीद बात करेंगे कि मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत सारी बातें हैं जो होनी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकलेंगी और शायद आपको पसंद ना आएंगी, लेकिन मुझे कहनी है और मुझे किसी का खौफ नहीं है और मैं यू नो आई थिंक somebody has to come out and speak the truth. अभी आप लोगों को फौजी लोड़े बहुत पसंद होंगे कुछ लोगों को, और ठीक है यूनिफॉर्म वाले मर्द जो होते हैं वो बड़े क्या कहते हैं उसको अट्रैक्टिव होते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओथ यहाँ पे गवाही देता हूँ कि नदीम बेग एक्सप्लॉयटेड मी सेक्सुअली, वी वर इन मुंबई, ही एक्सप्लॉयटेड मी सेक्सुअली, और अभी तक तो मैं बहुत खामोश था क्योंकि मैं समझता था कि छोटी मोटी बातें तो बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं तो उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। पुलिसदारी जो मिस्टर 10% थे, मिस्टर 90% थे, बेनजीर की शहादत के बाद वो गार्ड ऑफ ऑनर से आए और गार्ड ऑफ ऑनर से गए, वो उनके पीछे भी फौज खड़ी थी, और अभी इमरान खान भी फौज के कंधों पर चढ़ के आया है। तो सच ये है कि पूछना तो फौज से चाहिए है भाईजान, वो पैसे कहाँ गए हैं आपसे सवाल है, क्योंकि भुट्टो के पीछे भी आप थे, नवाज शरीफ के पीछे भी आप थे, मुशर्रफ के पीछे भी आप थे, जरदारी के पीछे भी आप थे, और इस हरामी के पीछे भी आप हैं। रसूलुल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूँ कि ये ISI के अफसरान जो हैं ये कोकेन करते हैं, मैं इनकी महफिलों में शामिल रहा हूँ, मैंने भी की है वहाँ पे, और ये लड़कियों को एक्सप्लॉयट करते हैं, वहाँ पे लड़कियों के साथ जिनाकारी होती है, और ये फैक्ट्स हैं, और मैं आपको सेफ हाउसेस के एड्रेसेस दे सकता हूँ, मेरे पास लोकेशन सेव्ड है मेरे फ़ोन के अंदर, और बहुत सारी बातें हैं। दुपट्टा मेरे सर पर है और मेरा सब कुछ कवर्ड है। ऐसा है कि रेपिस्तान मुनाफिकिस्तान के लोगों को मेरा ये पैगाम है, और फौजियों के लोड़े मुँह में लेना बंद कर दें, क्योंकि उससे मुल्क को कोई तरक्की नहीं मिल रही है और मेरा अल्लाह रमजान में नहीं जागता। इन क्लिप्स से आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया। ये जो क्लिप्स मैंने आपको काट के दिखाए हैं इसमें पाकिस्तान आर्मी को, ISI जो हमारे मुल्क की शान है, हमारे मुल्क की आन है, इनकी वजह से हमारे मुल्क में अभी इस वक्त जो अमन आया हुआ है ये इन्हीं इदारों की वजह से आया हुआ है, और इनके ऊपर घटिया और गलीज इल्ज़ाम लगाना इस तरह से पब्लिक फोरम पर आकर आई थिंक ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी या गैर जिम्मेदारी की बात है। अपने आप को सेलिब्रिटी बोलते हो, पाकिस्तान का नाम बोलते हो और इस तरह की गलीज बातें करते हो, ISI के एजेंट हो गए या आर्मी के जितने भी अफसरान हैं उनके बारे में बात करते हो कि वो अपनी रातें रंगीन करते हैं, शराबें पीते हैं, औरतों के साथ रातें गुजारते हैं, या ट्रांसजेंडर्स के साथ, इनको हिजड़ा कहा जाता है, उनके साथ रातें गुजारते हैं,
हो सकता है हो, कुछ इंडिविजुअल ऐसे होंगे, दुनिया में हर जगह होते हैं, होंगे, मान लिया, लेकिन उसकी वजह से पूरी फौज को, पूरी ISI को बदनाम करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ की एक जिम्मेदार इंसान की तरफ से एक इस तरह का स्टेटमेंट आना। क्योंकि अपने आपको सेलिब्रिटी बोलते हो, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इस तरह की गलीस और गंदी जबान इस्तेमाल करना, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। और फिर उसके बाद दुपट्टा ओढ़ कर अल्लाह रसूल की बातें करके अपने आप को एक फरिश्ता नुमा इंसान शो करना कि तुम सही हो, बाकी सारे गलत हैं। एवरी वन नोज़ अबाउट बेगम नवाजिश अली, उसके शो क्या है, वो किस तरह की हरकतें करते थे, किस तरह के उसके स्कैंडल हैं, एवरी वन नोज़ अबाउट हर और हिम। क्योंकि ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था जब उसका करियर डाउन हुआ 2018 आई थिंक, जब वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, उसको अरेस्ट किया गया था उसके गेस्ट हाउस से। उसकी मेन वजह ये थी कि वो उसने ज़्यादा नशा किया हुआ था या अल्कोहल इतना ज़्यादा पिया हुआ था कि हो सकता है कि किसी ने उसकी रिपोर्ट की हो, तो उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन अरेस्ट करते हुए जो रास्ते में जा रहा था, तो उसने अपना फेसबुक लाइव ऑन कर दिया और फिर उसके बाद एक सीन क्रिएट किया कि ये मुझे बिना किसी वारंट के और किसी इशू के अरेस्ट करके जा रहे हैं, और जब पुलिस वाले उसके हाथ पकड़ रहे थे कि इस तरह ना करो, गलत करो, ऐसे चीज़ के बारे में बात ना करो, तो बोलता है मुझे फिजिकल ना छुओ और असल्ट ना करो, ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया। लेकिन बाद में जब वो SHO से या पुलिस इंस्पेक्टर से मिलता है, उसके बाद वो माफ़ी मांगता है कि मैंने जो किया, जिस तरह किया, वो गलत किया। तो आई थिंक ये मेंटली सिक इंसान है। इस वक्त इसका करियर डाउन जा रहा है, तो अपने एक करियर को उठाने के लिए एक कंट्रोवर्शियल वीडियो उसने निकाल दिया है। अब हम जैसे बात कर रहे हैं, करने की ज़रूरत पड़ गई, यूजली इस तरह के स्टूपिड वीडियोज़ को रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके वो महकमे जो आपकी पाकिस्तान की शान है, जो पाकिस्तान की जान है, जिनकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त अमन की राह पर गामजन है, जवानों ने अपनी जानें दी हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, उनके बारे में इसने खलीस अल्फाज इस्तेमाल करते हो, शर्म आनी चाहिए। जो भी हो, तुम सेलिब्रिटी हो, तुम्हें कुछ भी पता है, सॉर्ट आउट इंटरनली, पब्लिक फोरम पे इस तरह की बातें तो नहीं की जाती ना। अगर लाखों की फौज में से अगर 3-4 इस तरह के, या चलो 10 कर दिए, 100 कर दिए इस तरह के बंदे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सारी आर्मी ख़राब है या सारी ISI ख़राब है। पूरे पाकिस्तान को बदनाम करते हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए। अपने थोड़े फेम के लिए और अपने आपको सच्चा साबित करने के लिए, एवरीवन नोज़ अबाउट बेगम नवाजिश अली। बिग बॉस में आई थी सबसे पहले पाकिस्तान की सेलिब्रिटी, मैं इसको ठीक ही बोल रहा हूँ, आई थिंक ही इज़ अ प्रॉपर मैन, एक प्रॉपर आदमी है, लेकिन अपने आपको ट्रांसजेंडर शो करके हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश करता है, क्योंकि इस तरह के लोग हमारे मीडिया में नहीं है, तो एक डिमांड बन जाती है। लेकिन यह है कि दोबारा लाइमलाइट में आने के लिए उसने इस तरह का घटिया वीडियो रिलीज़ किया है, टोटली डिस्कस्टेड, कम्प्लीटली डिस्कस्टेड, और उसको हर जगह से जो गालियाँ मिल रही हैं ना सोशल मीडिया पर, आई थिंक इज थॉरली डिजर्व्स इट, कम्प्लीटली इनसेन आदमी है ये। और मैं चाहता तो उसको गालियाँ देता हूँ या दे सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है। मगर इसने जो भी किया गलत किया, और जो उसकी सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, आई थिंक दे शुड स्टेप डाउन एज वेल, क्योंकि कोई सपोर्ट बनती नहीं है इस तरह के बंदे की, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं बनती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप उसके वीडियो देखो तो डेफिनेटली उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट ज़रूर करो, मगर गालियाँ ना दो और बिचिंग ना करो, और जो एक किस्म के ग्रेवे अल्फाज हैं वो इस्तेमाल ना करो, क्योंकि अगर आप उसके लेवल पे चले जाओगे तो आप में और उस बेगम नवाजिश अली में कोई फ़र्क नहीं है। ओढ़नी ओढ़ कर और अपनी चादर की इज्जत संभाल कर और बोलते कि अल्लाह सोया हुआ है और अल्लाह रमज़ान में नहीं जाता, शेम ऑन यू। आई थिंक तुम्हारे को अगर किसी मौलवी ने सुन लिया तो अभी फतवा लगा देगा, पहले लग चुके हैं मेरे ख्याल में इसके बहुत सारे फतवे। बहरहाल मेरा सिर्फ ये पैगाम था कि नवाजिश अली, बेगम नवाजिश अली और अली सलीम एक ही नाम है, अगर आप लोगों ने जो भी रिएक्ट और रिस्पांस करना है, एक जिम्मेदारी से करो, गलीस और गंदे अल्फाज इस्तेमाल ना करो, लेकिन उसको रिस्पांस ज़रूर करो कि तुमने जो किया है वो गलत किया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो या मेरा पैगाम या रिएक्शन
पसंद आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि क्या मैंने बात सही की है या गलत की है। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम, बाय।